चलिए अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो जीएसटी के कोर्स में भी मैंने इसको सेपरेटली वहां पे डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से अलग सेपरेटली डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो जिसकी जेब से जाना है वो ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। इनडायरेक्ट वो जाना किसी की जेब से है, गवर्नमेंट को पे कोई कर रहा है। मतलब सर देखो, इनकम टैक्स में क्या है, आपने पैसा कमाया, आपकी सैलरी आई, आपने जॉब करी, सैलरी आई, सैलरी में से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, आई नो आप 50 लाख रुपीस पर एनम कमा रहे हो, ठीक है। 50 लाख की जैसी आपने अर्निंग करी है ना, जब टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे हर साल हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न कैसी जाती है, एनुअली जाती है। सो जब आप रिटर्न क्या होता है वो भी समझेंगे, बाकी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, मतलब हम टैक्स पे करते हैं, एनुअली टैक्स पे करते हैं। सो जब आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, सो उसमें आपको आपने कमाया है 50 लाख रुपए, आपके पास आए हैं, सो उसमें से जो भी हिस्सा बना, फॉर एग्जांपल रफली मैं बोल देता हूँ 10 लाख रुपीज, तो वो 10 लाख रुपीज आप अपनी पॉकेट में से ले जाके गवर्नमेंट को दोगे। सो दैट्स इनकम टैक्स, दैट्स वाई इट्स डायरेक्ट टैक्स, दैट्स डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली भाई जिसके जेब में आ रहा है ना पैसा, 50 लाख मेरी पॉकेट में आए, सो मैं ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि पैसा तो किसी की पॉकेट में आ रहा है, मतलब उसका बेनिफिट कोई ले रहा है और पे कोई कर रहा है, बात समझो। ये लगता है सेल परचेज के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास कोई चीज थी, मैंने आपको सेल करी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सेल कर रहा हूँ, मैं सेलर, कोई सी भी मोबाइल का कंपनी का कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का है, मैंने क्या करा, ये सैमसंग मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको सेल करा, ये 10,000 का मोबाइल है, तो इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे जीएसटी में, फॉर एग्जाम्पल 1800 का इसके ऊपर जीएसटी पे टैक्स चार्ज हो गया। सो अभी आपने कितना पे करा है मुझे, 11,800, 10,000 का मोबाइल है, 1,800 आपने क्या करा है मुझे, टैक्स पे करा। पे किसने करा है, आपने, क्या आपने गवर्नमेंट को पे करा है, ना, आपने किसको पे करा है मुझे, सेलर को पे करा है, आपसे 1800 लिए, वो मैं किसको दूंगा, गवर्नमेंट को। पे कोई कर रहा है, जेब से किसी की जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तक पहुंचा कोई रहा है, तो वो हो गया मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है पूरी तरह से? सो वही बात यहां पे है, एक बार कवर करते हैं। देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या है, पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहे हैं, बियर्स द इंसिडेंट्स ऑफ द टैक्स, जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है भाई उसको ही बर्डन, अब उसकी जेब में से ही पैसा कट होगा, बर्डन उसी के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है सेलर पे करता है जीएसटी, मैं एज अ सेलर गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, बट अपनी जेब से जा रहा है क्या मेरी, ना, वो मैं अल्टीमेट कंज्यूमर जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा है उससे लेके दे रहा हूँ। सो यहाँ पे बर्डन मेरे ऊपर नहीं है, बर्डन आपके ऊपर है, पे मैं कर रहा हूँ। क्लियर है पूरी तरह से, डन है। फिर आता है प्रोग्रेसिव इन नेचर हाई रेट ऑफ टैक्स ऑफ पीपल हैविंग एबिलिटी टू पे। जो इनकम टैक्स होता है ना, नीचे एग्जांपल में इनकम टैक्स लिखा है, इनकम टैक्स कैसा होता है, ये ना बढ़ता जाता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, ठीक है। सो सब चीजें देखेंगे किसके ऊपर कितना टैक्स लगता है वो सब देखेंगे। सो एक मैं एग्जांपल दे दिया, जैसे 2.5 लाख तक अगर आप अर्न कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट कहती है भाई देखो पहले आपके पास 2.5 लाख है, इसमें मुझे क्या पे करोगे, रखो मुझे कोई टैक्स नहीं चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है 5 लाख तक अर्न कर रहे हो ना, 5% मुझे भी दे दो, भाई थोड़ा अर्न कर रहे हो, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ 5%। फिर उससे ऊपर कह दिया कि मुझे 10% दे दो, 20% दे दो, मुझे 30%, जितना 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 बढ़ता जाएगा उतना उतना गवर्नमेंट आपसे क्या लेती रहेगी, टैक्स कलेक्ट करती जाएगी। सो ज्यादा इनकम अर्न करने वालों से गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लेती है। यहाँ पे गवर्नमेंट पता कैसी है, रॉबिनहुड टाइप में, कहती है अच्छा भाई तुमने ज्यादा कमा लिया, मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, तो वैसे वाला है, ठीक है। सो इसको कमीशन में बोल देना, उसमें तो ऐसा जाता है जैसे रिश्वत ले रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिश्वत नहीं ले रही, टैक्स ले रही है, प्रॉपर टैक्स ले रही है। फिर इसके बाद आता है रिग्रेसिव इन नेचर, जो जीएसटी वाले चीज होती है ना, ये रिग्रेसिव है, डाउन वाली पोजीशन में, ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन, हर बंदे को इक्वल बर्डन पे करना पड़ेगा। मैंने मोबाइल आपको सेल करा है ना, 18% आपकी इनकम कितनी है मुझे उससे मतलब नहीं है, जो भी ये मोबाइल खरीदेगा उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये बात बताओ, एक पर्सन है जो साल के 2.5 लाख रुपए अर्न कर रहा है, सो उसको तो महंगा लगेगा ना, उसकी जेब पे एकदम असर पड़ेगा, अरे भाई 1800 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स के ले लिए जीएसटी। और एक पर्सन है जो 2.5 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है, उसको क्या, अरे 1500 रुपए, 1800 रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये कैसा ही है ना, टेंशन वाला है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ना आपको इसका बर्डन कम होता जाएगा। क्लियर है?
तो ये कैसा हो गया जीएसटी, और एक आता है हमारा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मेनली आपका ना इम्पोर्ट के ऊपर आता है, जब आप इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगाते हो तब कस्टम ड्यूटी आता है, ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। होपफुली आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सारी क्लासेस हमारी ऐसे ही होंगी, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, लेंथ इंक्रीज करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, सो बहुत सी क्लासेस में क्या होता है, वो सामने से जब स्टूडेंट भी एनरोल करते हैं तो उनको भी लगता है एज अ स्टूडेंट कि भाई इसकी क्लास, ये क्लास ना 40 आवर्स की है, ये 50 आवर्स की है, तो मतलब कंटेंट अंदर होगा, जरूरी नहीं है। जितना लेंथ वाइज कंटेंट होना जरूरी नहीं है। अब मैंने आपको बताया, एक एक चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्यों लेंथ ज्यादा हो गई, वो कम लेंथ में क्यों ज्यादा अच्छे से कवर हो गया, क्योंकि मैंने कुछ नोटिंग में टाइम नहीं दिया, सब कुछ प्री रिटर्न है। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करा, या बीच में किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसा नहीं है लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग करी है। सो दैट्स वाई आपकी जो टाइम सेव होगा, इससे बहुत कम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर।